हेलो एवरीवन, दिस इज कृति सिंह फ्रॉम टेक्नो इंडिया। सो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KTM 67 इन 1 के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि KTM 67 इन 1 एक ECU रीड एंड राइट टूल है, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल हमारी पिछले वीडियो में बन चुकी है। हमारी पहले की दो वीडियो है जिसके बारे में आप लोग इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं कम्प्लीटली, जिसमें फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन और वर्किंग के बारे में दिखाया गया था। एंड हाल ही में हमने आप लोगों को अपडेट किया था कि KTM 67 DCM 7.1 में अभी वर्क कर रही है। तो आप लोगों को इसमें अपडेट मिल गई है 7.1 की, बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसका काम भी इसमें कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, KTM 67 इन 1 में हम इनसाइट का सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता भी है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है। तो जिनको नहीं पता है आज उनको पता चल जाएगा कि KTM 67 इन 1 से आप इनसाइट का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। उसे कैसे यूज करना है, कनेक्शन कैसे करनी है, आप लोगों को क्या कॉन्फ़िगरेशन फाइल डालनी है, ये सारी हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं डिटेल। और इसका कनेक्शन ऑन टेबल करने वाले हैं, इसमें चेक करने वाले लैपटॉप में। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो हमने इनसाइट का सॉफ्टवेयर है, अभी तक हम इनलाइन 6 से यूज कर रहे हैं हार्डवेयर से, जो कि एक बहुत ही अच्छा हाई लेवल का टूल है, जिसमें मतलब काम करने में बहुत अच्छा है। आप KTM 67 से यूज तो करेंगे, बट ये क्या होती है, ये जो हार्डवेयर होती है ये नॉर्मल है। जो आप इन 6 का हार्डवेयर देखेंगे वो काफी अच्छी है, हीट मतलब अगर हीट भी होती है तो उतनी ज्यादा उसमें इफेक्ट नहीं पड़ती है। ये आपकी प्लास्टिक की बॉडी होती है, तो आप लोग इसे नॉर्मल ही उसके लिए रख सकते हैं कि अगर आपके पास इन 6 नहीं है तो आप लोग मतलब एमरजेंसी में आप लोग PCM टूल से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ज्यादा हीट होगी तो इसकी मदरबोर्ड उड़ सकती है। उतनी ज्यादा ये मतलब क्वालिटी वाली नहीं होती है, नॉर्मल होती है, क्योंकि ECM रीड राइट की टूल है तो काम करती है, बट एकदम हाई लेवल वाली मतलब आप नहीं कर सकते यूज। तो आप लोगों को इसमें सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, क्या करना है, कनेक्शन कैसे करना है, उसका ड्राइवर क्या डालना है, इसके बारे में चलिए हम लाइव वीडियो देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा PCM का टूल है, मैंने इसे निकाल के रखा है, जिसमें इधर आपका 16 पिन का जो अडेप्टर होती है वो है, पीछे USB की भी पोर्ट रहती है 4 और पावर अडेप्टर की भी पोर्ट दी हुई है। ये हमारा PCM टूल है, जिसे 67 इन 1 के भी नाम से जाना जाता है। और ये इसके साथ में एक USB हमारी जो 16 पिन वाली केबल होती है, मेन केबल कनेक्शन के लिए वो है। और ये कंप्लीट बॉक्स है जिसके अंदर पेन ड्राइव होती है और एक्स्ट्रा एसेसरीज केबल सारी चीजें होती है। इसके बाद हमको क्या है, इसमें इनसाइट का कनेक्शन करना है, तो हमने सबसे पहले इसमें ECM ले लिया है BS4 का, उसके बाद USB का केबल है हमारे पास, पावर के केबल है, एंड जो हम ऑन टेबल काम करना है तो उसके लिए फ्लशिंग केबल रखती है, वो हमने केबल रख लिया है। तो ये हमारी कंप्लीट है सेटअप। अब हम इसे कनेक्शन कर लेते हैं कि कैसे कैसे कनेक्शन करनी है। सो गाइस, हमने कनेक्शन कर लिया है, ये हमारा कनेक्शन है, ये हमारा PCM टूल है जिससे हमने ECM को कनेक्ट कर लिया है, फ्लशिंग केबल ऑन टेबल कनेक्ट किया है। अब इसके बाद हम सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि इसके सॉफ्टवेयर में हमको क्या क्या डालना है। सो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे दो सॉफ्टवेयर है, एक स्कैन मैट्रिक है और दूसरा आपका PCM फ्लश है। जो स्कैन मैट्रिक है वो आपका ड्राइवर है और PCM फ्लश आपकी मेन सॉफ्टवेयर है। ये दोनों सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर लिया इसमें, ये आपके मतलब सिस्टम में होनी चाहिए अगर आप इनसाइट का सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं इसमें, तो ये दोनों सॉफ्टवेयर आपकी आपके डेस्कटॉप में होनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा इनसाइट का सॉफ्टवेयर है, आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है, आप 8.9 8.7 दोनों में यूज़ कर सकते हैं इसे। और नीचे हमने इसे पहले से ही ऐड करके रखा हुआ है स्कैनमेटिक, आप लोग पहले से भी करते हैं तो आप लोगों को पता भी है। तो स्कैनमेटिक में हम अभी क्लिक करते हैं, उसके बाद ये सेम जैसा आपका सॉफ्टवेयर इनलाइन 6 के साथ में आता है वैसा ही आ रहा है, और आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है, देन ये अपना कनेक्शन का जो प्रोसेस रहता है वो स्टार्ट कर लेता है, कनेक्टिंग टू ECM। तो देखिए, आप लोगों का जो इनसाइट सॉफ्टवेयर है वो अभी कनेक्ट हो गया है, यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा है डिसकनेक्ट फ्रॉम ECM बोल रहा है, तो अगर आप इसे डिसकनेक्ट पर क्लिक करेंगे तब ये डिसकनेक्ट होगा। एंड ये पूरा कनेक्शन हो चुका है, कनेक्शन होने पे यहाँ पर लाइट हो जलती है टूल में, या आपकी लाइट ब्लिंक हो रही है। यहाँ वर्क ऑर्डर के लिए ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको वर्क ऑर्डर बनाना है तो आप न्यू पे क्लिक कर दीजिए एंड ओके पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी नोट डालनी है आपको अपने लिए, तो आप नोट डाल के यहाँ पर ओके कर देंगे तो आपका वर्क ऑर्डर यहाँ पर बन जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर वर्क ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है। इस वर्क ऑर्डर के ऑप्शन में आप लोगों को आज की डेट में वर्क ऑर्डर दिखेगा, क्योंकि आपने वर्क ऑर्डर बनाई है अभी। आज कितना तारीख, 25 है। ये देखिए, आपको 25 की डेट में आप लोगों को एक वर्क ऑर्डर शो कर रहा है, सेकेंड नंबर की, लास्ट से थर्ड नंबर की आपकी जो है वो वर्क ऑर्डर है। इसे आप सेंट्रो ECM
आप इसे कन्वर्ट टू टेम्पलेट कर दीजिए तो ये टेम्पलेट के फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए हम जैसे ही इसे कन्वर्ट टू टेम्पलेट किए आपका कन्वर्ट टू टेम्पलेट में आ गया, जिसका यूज़ बाद में किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो ऑल आप ऑप्शन देख सकते हैं सेम आपके इनलाइन सिक्स के जैसे शो कर रहा है, आप लोगों को इसे हम दिखा रहा है। इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है वो आप लोगों की फॉल्ट कोड की ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोगों को नीचे फॉल्ट कोड शो कर देता है। आप लोग इसे चेक करके जो मैनुअली सॉल्व करने वाली चीज़ें वो मैनुअली शो हो जाती हैं, मतलब सॉल्व हो जाती हैं। जो आप लोगों को ऑटोमेटिक यहाँ से सॉल्व करनी है वो यहाँ से सॉल्व हो जाती है। उसके बाद आपका डेटा मॉनिटर का दिया हुआ है, ईसीएम डायग्नोस्टिक टेस्टर दिया हुआ है, एडवांस ईसीएम डेटा दिया हुआ है, फीचर एंड पैरामीटर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट देख सकते हैं, आप लोगों को कैलिब्रेशन सेलेक्शन का ऑप्शन दिया है। अगर आप लोगों को इसमें कैलिब्रेशन सर्च करना है तो पहले आप लोगों को डिसकनेक्ट करने पड़ते हैं, कनेक्शन डिसकनेक्ट करनी है उसके बाद ही सर्च करनी है, तभी ये सर्च होती है। तो डिसकनेक्ट करने के बाद आप लोगों को ईसीएम एंड पीडीडी कोड सर्च में जाना है, यहाँ पर आप लोगों को कोड लिखना है जो भी आपको सर्च करनी है। तो चलिए मैं FM90010 लिख देती हूँ। अब हम इसे सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद अभी आप जब जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये अपना प्रोसेस चालू कर देता है, एंड सर्च करने के बाद ये आप लोगों को सेव का ऑप्शन देता है, तो आप लोग इसे सेव कर लीजिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8.7 हमारा कैलिब्रेशन अभी बंद हो चुका है, तो 8.7 में कैलिब्रेशन शो नहीं करेगा। आप लोग जब 8.9 में इस वर्क को करेंगे तब आप लोगों को कैलिब्रेशन फाइल शो करेगी। तो अभी इसमें हमारा सेव हो जाएगा बट शो नहीं करेगा, यहाँ पर ये सेव हो गया और हम इसे एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करने के बाद जब जो ईसीएम एंड पीडीडी कोड है यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आप लोगों को शो कर देगा, यहाँ पर जो भी आपने कैलिब्रेशन फाइल सर्च की रहती है वो आप लोगों को यहाँ पर शो कर देती है। इसके बाद आप लोग सारे ऑप्शन देख सकते हैं, कैलिब्रेशन के बाद वर्क ऑर्डर है, ट्रिप इंफॉर्मेशन है, ऑडिट ट्रायल है, इंक्वायरी डेटा है, और भी काफ़ी सारे हैं जो कि आप लोगों को कंप्लीट दी हुई है। तो सेम मतलब इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो इनलाइन सिक्स काम करता है सेम आप लोगों की PCM टूल भी काम करती है, सेम टू सेम काम करेगी। आप लोगों को मैंने कनेक्शन भी दिखा दिया, इसके लिए दो सॉफ्टवेयर चाहिए आप लोगों को। अगर किसी को भी ये परचेस करना है, बाय करना है, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जरूर कॉन्टेक्ट करिए। इसको कनेक्शन कैसे करनी है वो भी हम आप लोगों को बता देंगे, यूज़ कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ें भी हम आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करेंगे। तो ऑल डेटास के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।